अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम लोग आए हैं अभी अहमदाबाद की सरजमीन पर। तो हम लोग अभी ज्यारत करने वाले हजरत कुतुब आलम सरकार की, तो चलिए इनकी ज्यारत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदुस्तान के माइना जस्ती और सादत बुखारिया के चश्मो चराग का जिक्र करेंगे, जिनका नाम हजरत सैयद अब्दुल्ला है, आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद है, और आपका लकब बुरहानुद्दीन है, और आपका खिताब कुतबे आलम है। आप गौसे जमाना हजरत सैयद ना मकदूम जहानिया जहागस रदियल्लाहु ताला अन्हो के पोते हैं। आपके वालिद माजिदा का नाम हजरत सैयद नासिरुद्दीन महमूद नौसा बुखारी रहमतुल्लाह अलैहे है। आप हुसैनी सैयद है। आपके आबा व अजदाद बुखारा के मौजद और इल्मी घराने से ताल्लुक रखते थे। आपकी वालदा माजिदा का नाम हजरत सैयदा बीबी हाजरा खातून है, जिन्हें हजरत मखदूम जहानिया रदियल्लाहु ताला अन्हो सादत खातून कहा करते थे। एक मरतबा हजरत मखदूम जहानिया जहांगस्त रदियल्लाहु ताला अन्हो शेरो सियाहत फरमाते हुए गुजरात तशरीफ लाए। उस वक्त शेर अहमदाबाद आबाद नहीं हुआ था। आप उस मकाम पर तशरीफ ले गए जो आज अहमदाबाद का वटवा इलाका कहलाता है, और हजरत कुतबे आलम रदियल्लाहु ताला अन्हो का जहाँ मजारे पुर अनवार है, हजरत मखदूम जहानिया जहांगस रदियल्लाहु ताला अन्हो वहाँ सुबह की नमाज से फारिग हुए और इशराक भी वहीं अदा फरमाई। नमाज के बाद आपने वहाँ की कुछ मिट्टी उठाई और उसे सूंघा और इरशाद फरमाया कि इस पाक मिट्टी से तो हमारी हड्डियों की खुशबू हमें आ रही है। तमाम हाजरीन को आपने वो मिट्टी दिखाई और पेशीन को ही देते हुए इरशाद फरमाया कि ये मकाम कुतबियत का खजाना होगा और रूहानियत की बहती हुई नदी साबित होगा। एक मरतबा हजरत मखदूम जहानिया जहांगस्त रदियल्लाहु ताला अन्हो इबादत के वक्त जो चादर शरीफ ओढ़ते थे, उसे आपने अपनी बहू हजरत सैयदा सआदत खातून रहमतुल्लाह अलैहा को दी। उसके बाद आपने फर्जन हजरत नासिरुद्दीन बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाया कि मेरी वफात के बाद सआदत खातून के सिक्कम से एक बेटा पैदा होगा, ये चादर उसे दे देना, वो कुतबुल आफ्ताब और मकाम अम्बियत तक पहुँचेगा। मकाम अम्बियत औलिया अल्लाह में सुलूक की बहुत ऊँची मंजिल शुमार की जाती है, इसलिए उन्हें अब्दुल्ला कहा जाता है। सूफिया किराम के नजदीक उससे बुलंद कोई मकाम नहीं। उसके बाद हजरत मखदूम जहानिया जहांगस्त रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, उस खुशकिस्मत बच्चे को पहनने के लिए सबसे पहले इस चादर से पोशाक बनवाना, इसी चादर शरीफ का बाकी हिस्सा महफूज रखना और उन्हें पहुंचा देना। अल्लाह ताला ने जिस वक्त मुझे शबे कदर की दौलत से मालामाल किया था, उस वक्त ये चादर मेरे जिस्म पर थी। वो बच्चा मेरे खानदान की इज्जत बढ़ाने वाला और तमाम रुमूज हकाई समंदर होगा। अलगरज सरकार कुतबे आलम रदियल्लाहु ताला अन्हो की विलादत शरीफ से पहले ही आपके पेशीन गोया दे दी गई थी और आपकी शाने विलायत को जाहिर कर दिया था। हजरत सैयद ना अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन कुतबे आलम बुखारी रदियल्लाहु ताला अन्हो की पैदाइश मुबारक 14 रजबुल मुरजब हिजरी 790 को उच्च शरीफ में हुई। आपके वालिद मोहतरम ने आपके कान में अजान कही और आपके दादाजान की अता की हुई चादर शरीफ से आपके कपड़े बनवाए गए। सरकार कुतबे आलम रदियल्लाहु ताला अन्हो के पैदाइश मुबारक के तीसरे रोज आपको दूध पिलाने के लिए एक दाया को बुलाया गया। दाया ने आपको हाथ में लिया और दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन आपने दूध नहीं पिया। दाया ने और दूसरी औरतों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन आपने हरगिज उस दाया का दूध नहीं पिया, बल्कि अपने मुबारक होठों को उसके पिस्तान से भी न लगाया। जब आपकी वालदा माजेदा ने आपको दूध पिलाना चाहा तो आपने उनका दूध नोश फरमा लिया। घर की औरतें इस बात से ताज्जुब में थी। जब तहकीक की गई तो पता चला कि वो दाया गाने बजाने वाली औरत में से थी। सरकार कुतबे आलम रदियल्लाहु ताला अन्हो पैदाइशी वली कामिल थे, इसलिए आपने बचपन से ही तकवा और परहेजगारी का ख्याल रखा। सरकार कुतबे आलम रदियल्लाहु ताला अन्हो खुद इरशाद फरमाते हैं, अभी मेरी उम्र 9 साल की ही थी कि मुझे ये ख्याल आया कि काश नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने पाक मुझे नसीब होता तो मैं आपके नालेन शरीफ चूमने की इजाजत मांगता और अपने आप को खुशकिस्मत समझता। आप फरमाते हैं कि उसके बाद
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। मैंने देखा कि शहंशाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और मेरे सामने खड़े हैं। आपके इश्क में बेताब होकर मैंने अपना सर फौरन आपके नालेन मुबारक पर रख दिया। आपके नालेन मुबारक निहायत ही खूबसूरत थे। वो इतने हल्के थे कि उनका वजन 16 दिरहम से भी ज्यादा नहीं था। नालेन पाक से मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह खड़े थे कि मेरी सिर्फ नाक रखी जा सके, इतनी ही जगह आपके दोनों मुबारक पैरों के दरमियान थी। मैं अपनी बेशानी चेहरा और आंखें आपके दोनों पैर मुबारक के दरमियान रख कर बहुत देर तक रोता रहा। मेरे आंसुओं से आपके मुबारक नालेन भीग गए। मैं बहुत देर तक रोता रहा और खुशबू को महसूस करता रहा। सरकार कुतुब आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बचपन ही में नबी पाक अलैहि सलाम की ज़ियारत करने का शर्फ भी हासिल हुआ और हुजूर के नालेन पाक चूमने की सआदत भी आपने हासिल की। जब सरकार कुतुब आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का उम्र शरीफ का 10वां साल था तो आपके वालिद माजिद हजरत सैयदना नासिरुद्दीन नौसा बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का विसाल हो गया। हजरत मखदूम राजू कतार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सरकार कुतुब आलम को बुलाया और फरमाया कि तुम गुजरात में सुकूनियत इख्तियार करो, वहीं रहकर जिंदगी बसर करो और रुसद व हिदायत करो। गुजरात की सरजमीन तुम्हारे सुपुर्द है और गुजरात के लोगों को पैगाम हक पहुंचाना और उनको अंधेरे से रोशनी में लाना ये तुम्हारा जिम्मा है। इन फराइज को बखूबी अंजाम देना। हजरत मखदूम राजू कतार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हुक्म पर आप उच्च शरीफ से गुजरात तशरीफ लाए। उस वक्त गुजरात की राजधानी शहर पट्टन था। आपने पट्टन में हजरत बाबा फरीद उद्दीन गंजे शकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के औलादे पाक में एक बुजुर्ग हजरत ख्वाजा रुकनुद्दीन काने शकर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ कयाम किया। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह जो हजरत मखदूम जहानिया जहांगश के मुरीद और मोतकिद थे उन्होंने आपकी खिदमत में हाजिर दी और नजराना अकीदत पेश किया। हजरत सैयदना सरकार कुतुब आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की उम्र शरीफ जब 14 साल की थी तो उस जमाने में ख्वाजा दक्कन मखदूम दीने दुनिया हजरत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गौसुद दराज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दक्कन से गुजरात तशरीफ लाए। आप गुजरात के शहर पट्टन तशरीफ लाए और हजरत सैयदना ख्वाजा रुकनुद्दीन काने शकर चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मुलाकात की। पट्टन के कयाम के दौरान जब ख्वाजा बंदा नवाज गौसुद दराज ने हजरत कुतुब आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को देखा तो देखते ही जान लिया कि इनके अंदर कुतुबियत के आसार पाए जाते हैं। आप बहुत खुश हुए और फिर ख्वाजा बंदा नवाज गौसुद दराज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हजरत कुतुब आलम को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि शाहजादे मुझे अपने बुजुर्गाने दीन से जो फैज हासिल हुआ है वो मैं बतौर तोहफा आपको पेश करता हूँ। इस तरह आपको सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गौसुद दराज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी अपने फैजानो करम से माला माल किया। सरकार कुतुब आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने चार निकाह फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बहुत सी औलाद अता फरमाई। आपके 12 लड़के और 17 लड़कियां हुई। आपके साहबजादों में से हर एक आफ्ताब-ए-शरीयत और तरीकत थे।